तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उपेश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनमुन ने उपेश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उपेश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनमुन ने मनानो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हम सभी को मार्गदर्शन करें। डीप प्लान जोरदार ताली बजाएं खुशी मची आनी। देखिए 19 तारीख को जो माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया उस फैसले के तहत में जो हमारे यहाँ पर आदिवासी समाज को 32% आरक्षण था वो अब कम करके 20% किया गया है। कांग्रेस सरकार की ये सबसे बड़ी नाकामी है, अकर्मण्यता है, जिन्होंने कहते हैं इस विषय को लेकर के जो याचिका दायर हुई थी उस पर अपना पक्ष मजबूती के साथ में नहीं रखा और हमारे समाज को आज आरक्षण जिस तरीके से कटौती की जा रही है उसका सामना करना पड़ रहा है। और दूसरा विषय यह है कि 29 तारीख को एक और फैसला आया है, उसमें जीएडी के माध्यम से जो निर्देश हुए हैं जिसमें हमारे सरगुजा और बस्तर और बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में जो स्थानीय लोगों को प्राथमिकता थी वो प्राथमिकता अब ख़त्म कर दी गई है, जिससे हमारे यहाँ पर जो बस्तर के बंधु हैं वो फिर से बेरोजगार के हो जाएंगे और यहाँ के लोगों को जो प्राथमिकता मिलती थी वो प्राथमिकता नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं से ये सरकार आदिवासी विरोधी है और इसका ये चेहरा आज लगातार इनके फैसलों के माध्यम से ये स्पष्ट हो चुका है। कांग्रेस सरकार को इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के साथ में इस बात को लेकर के जाए और इनके विधायक जागे, इनके मंत्री जागे, इस विषय को लेकर के इनके मंत्री विधायक एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, नाच गाने करने वाले लोग आज आदिवासियों का आरक्षण पर विषय पर एक शब्द क्यों नहीं बोलते, ये स्पष्ट इस सरकार को करना चाहिए। लेकिन इस सरकार कहीं ना कहीं से आदिवासियों को उनके आरक्षण से को ख़त्म करना चाहती है, इसके कारण से वो इस तरीके से बर्ताव हमारे लोगों के साथ में कर रही है। आज 8 तारीख है, 8 तारीख को हम लोग चक्का जाम कर रहे हैं। हमारे 3 संभाग स्तर पर दुर्ग, बस्तर और सरगुजा में चक्का जाम हो रहा है। इसके बाद कल 9 तारीख से हमारे एसटी मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं वो गांव-गांव में जाएंगे और वहां पर एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे जिसमें हमारे यहां के राज्यपाल महोदय और जो मुख्यमंत्री हैं उनको ये प्रस्ताव भेजा जाएगा कि जो हमारा आरक्षण है वो आरक्षण को यथावत रखे, उस पर इसके साथ में खिलवाड़ हम मंजूर नहीं है। ये 9 तारीख से लेकर के 10 नवंबर तक ये अनवरत रूप से चालू रहेगा। 13 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक जो हमारे जो एसटी समुदाय के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनके कांग्रेस के जो विधायक सांसद हैं उनके निवास को घिराव करने का, उनको जगाने का काम किया जाएगा, उनको जागरूक करने का काम किया जाएगा, ये ऐसी कार्य योजना बनी हुई है। उसके बाद ब्लॉक स्तर पर भी एक जो कहते हैं मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से घिराव किया जाएगा। देखिए मोहन मरकाम जी जो बयान दे रहे हैं मुझे लगता है कि उन्हें अध्ययन करने की आवश्यकता है, पीसीसी चीफ महोदय जी को। और 2019 दिसंबर से अगर हम माने 2018 के बाद 2019 से अगर हम मानते हैं तो अभी 2022 लास्ट चलने को आ रहा है। अब तक कांग्रेस की सरकार रही है, पूर्ण बहुमत के साथ 30-30 आदिवासी विधायकों के साथ आज सरकार में बैठे हुए हैं माननीय मोहन मरकाम जी। आप 4 साल क्या कर रहे हैं? 4 साल आदिवासियों के हितों में आपने क्या किया है? अगर ये आरक्षण की बात आ रही है आप भाजपा सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जब भाजपा की सरकार थी उस समय कोई किसी तरह की दिक्कतें नहीं थी, वकील लगाए गए थे, काम चल रहा था। आपके आने के बाद वकीलों को हटा दिया गया, आपने नान घोटाले के लिए करोड़ों रुपए देकर तत्काल बड़े बड़े वकीलों को आपने बुला लिया। लेकिन मैं कहना पूछना चाहती हूँ कि 4 साल आप क्या कर रहे हैं, जिस जो जो आप पिछली सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आपने क्या किया है वो कम से कम बता दें। देखिए ये हम लोगों ने 3 बजे तक का समय दिया है और अगर यह सरकार नहीं जागती है तो लगातार अनवरत हमारे अलग अलग चरणबद्ध ढंग से कार्यक्रम चलता रहेगा।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।